दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड कहानी शो, मैं हूं निशा। आज आप जानेंगे ऐसी के लिए जो बीच पर नाचे साजिद खान, अर्चना गौतम की तीखी लड़ाई में क्यों बोली गई ये बातें। छोटी पर्दे का कंट्रोवर्सी शो बिग बॉस 16 इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा इन दिनों घर का माहौल काफी गर्म दिखा। हालांकि शो के होस्ट सलमान खान ने वीकेंड के वार में एपिसोड में इसी वजह से शालिनी घटना और एमसी स्टैंड की क्लास लगाई थी, लेकिन इसके बाद साजिद खान और अर्चना गौतम के बीच में जमकर लड़ाई देखने को मिली है, जिसी वजह से साजिद और अर्चना एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आए हैं। अर्चना गौतम पर भड़के साजिद खान। सुपरस्टार सलमान खान के वीकेंड के वार एपिसोड के बाद साजिद खान और अर्चना गौतम के बीच में तीखी बकस देखने को मिली है। दरअसल खाना बनाने को लेकर साजिद अर्चना से कहती है कि उन्हें खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर अर्चना ताना मारते हुए कहती है कि सर आप तो बहुत अमीर फैमिली से नाता रखते हैं और खाना बनाने के लिए आपके घर में नौकरानियां काम करती हैं, शायद इसीलिए आपने कभी तक खाने का काम नहीं किया है। इस पर साजिद खान भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए अर्चना गौतम से कहते हैं कि अरे मैं झोपड़पट्टी से आया हूँ, तू कहाँ से आई है, झोपड़पट्टी की है पागल लड़की, मेरी फैमिली पर भूल कर भी जाना नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है तो अपना मुंह भी बंद खोल। अर्चना गौतम के साथ तीखी झोंक में साजिद खान अपने संघर्ष के दिनों बारे बातें करते हुए नजर आए। उस दौरान साजिद कहते हैं कि तू मुझे अमीर घराने की बात कहती है, क्या पैसे कमाने के लिए तू जो भी नाचेगी मैं नाचा हूँ। इस पर अर्चना गौतम रोकती नहीं है और कहती है मैंने आपसे झगड़ा लगाना, खाना बनाना और बर्तन धोना जैसे कामों के लिए कह रही थी, अगर आप पहले से ही झगड़िया में रहे हैं तो आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे आ गई। इसके बाद साजिद खान आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता पागल लड़की। साजिद का दावा है कि वह और अब इस बारे में घर में रहना नहीं चाहते हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आप हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।